Welcome to the Electrodynamics 2. In this lecture we will solve example 5.9. Find the magnetic field of very long solenoid consisting of n closely wound turns per unit length on a cylinder of radius r and carrying a steady current I. The point of making winding so close is that one can then pretend each turn is circular. If this troubles you, after all, there is a net current I in the direction of solenoid axis, no matter how tight the winding. Picture instead a sheet of aluminium foil wrapped around a cylinder carrying equivalent uniform surface current K is equal to Ni. Or make a double winding going up to one end and then always in the same sense going back down again and thereby eliminating the net longitudinal current. But in truth, this is all necessary fastidious for the field inside a solenoid is huge and the field of longitudinal current is a most tiny refinement. ये हमारे पास एक सोलेनाइड है जिसकी टर्न्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और इस सोलेनाइड में से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. यहाँ पे ये देखें कि करंट की डायरेक्शन ये राइट साइड की तरफ है और यहाँ से करंट एंटर हो रहा है और यहाँ से करंट बाहर को निकल रहा है. चूँकि ये सोलेनाइड की टर्न्स क्लोज होने की वजह से ये एक सरफेस करंट के बना रही है सोलेनाइड की सरफेस. तो हम देखना ये चाहते हैं कि क्या सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड सर्कमफेरेंशियल है कि नहीं. तो इसका जवाब नो है. चलें इसको हम प्रूव करते हैं यूजिंग द एम्पियर सर्किल लॉ. तो for B phi would be constant around the Amperian loop concentric with the solenoid. उसके लिए हम एक Amperian loop draw करते हैं जिसका center और इस solenoid का center एक ही point पर हैं. Now solving the left hand side of this Ampere law. अब जब हम इसको solve करेंगे इस Amperian loop के along अगर मैग्नेटिक फील्ड का फाई कंपोनेंट है तो उस वक्त बी और डी एल की डायरेक्शन सेम होगी. तो हम ये लिख सकते हैं कि बी फाई डी एल और बी फाई डी एल में से बी फाई को हम बाहर निकालें तो डी एल इंटेग्रल जो है वो टू पाई एस के बराबर होगा. तो इस तरह से बी फाई टू पाई एस is equal to mu naught I enclosed. अभी इस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट कितना enclosed है वो ज़ीरो है क्योंकि ये कोई भी करंट इसको क्रॉस नहीं कर रहा. अगर कोई करंट इस एम्पीरियन लूप को क्रॉस कर रहा होता तो उस वक्त उसका करंट enclosed करंट ज़ीरो ना होता. तो अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे आउटसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दो एम्पीरियन लूप लेंगे, एक आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए और दूसरी एम्पीरियन लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए. आउटसाइड के लिए एम्पीरियन लूप की ये जो साइड है इसकी पोजिशन ए है, यानी इसका एक्स एक्सिस से फासला ए है और इसकी जो दूसरी साइड है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ए एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड से बी है. तो किसी भी सोलेनाइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर ये सोलेनाइड बहुत लॉन्ग है तो अपने फिंगर्स को कर्ल करें करंट की डायरेक्शन में. हम पीछे वाली फिगर में देख चुके हैं कि करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी राइट साइड पर. तो राइट साइड पे अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करें
करंट की डायरेक्शन में, तो ये एक्सटेंडेड थंब फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। गोया के फील्ड इस सालिनाइट के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसके बाहर फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है यहाँ पे, तो इस पर हम ये इस एम्पियर लॉ को अप्लाई करते हैं यूजिंग दिस एम्पियरियन लूप वन। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर मैग्नेटिक यहाँ इसका यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, तो इस यहाँ से यहाँ जाते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसलिए बी डॉट डी एल के दरमियान में एंगल 180 डिग्री का होगा, तो नेगेटिव बी डी एल आएगा इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बी बी कह सकते हैं, और इसकी जो लेंथ है जब हम इंटीग्रल लेंगे तो वो एल के बराबर आएगा, तो सो इस पोजीशन पे इंटीग्रल आएगा बी बी एल। फिर हम इस साइड की बात करते हैं, अब इस साइड पर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड तो डाउनवर्ड है और हम इस तरफ जा रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, तो इस वजह से ये इंटीग्रल ज़ीरो हो जाएगा। अब इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन पर, ए पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करेंगे बी ए, तो बी ए और एल यानी इसकी लेंथ एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको हम बोल देते हैं बी ए एल जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, यानी इनके दरमियान में का 0 1 के बराबर होगा, और यहाँ पे अगेन बी डॉट एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इनके दरमियान में लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल फिर अगेन 90 के बराबर होगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे इन अपर और लोअर साइड को, तो बी ए माइनस बी बी इस पे से एल को कॉमन निकाल लिया इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब आई इनक्लोज्ड से मुराद जो इसके अंदर जो करंट इनक्लोज है वो ज़ीरो है, ज़री बात है, तो इस वजह से ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर हो जाती है। बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू ज़ीरो, बी ए इज इक्वल टू बी बी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। अब एक और चीज़ के ये मैग्नेटिक फील्ड जूँ जूँ हम दूर चले जाएं इस सालिनाइट से, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है, एक स्टेज एक ऐसी आ जाती है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमने प्रूफ किया है उसके मुताबिक ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी सालिनाइट किसी भी पोजीशन पर एक दूसरे के बराबर होता है। अब यहाँ अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दूर ज़ीरो है, तो इसको यहाँ पे भी ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर आउटसाइड दी सालिनाइट बराबर है। अगर एक जगह पे ज़ीरो है तो फिर तमाम जगह पे ज़ीरो होगी। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी सालिनाइट बी ए इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक हमने मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड फाइंड आउट किया और ये साबित किया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में है कि नहीं। तो दोनों केस में, एक केस में मैग्नेटिक फील्ड ये साबित किया कि सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, और दूसरे केस में ये साबित किया कि आउटसाइड द सालिनाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है। अब हम एम्पिरियन लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सालिनाइड फाइंड आउट करते हैं। तो हम एम्पिरियन लूप में से इस डायरेक्शन में ट्रेवर्स करते हैं। अब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सालिनाइट अपवर्ड डायरेक्शन में मौजूद है।
अगर हम यहाँ से यहाँ तक आएँ तो आउटसाइड दी सालिनाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, तो इस वजह से ये फर्स्ट टर्म ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। फिर हम यहाँ से यहाँ तक जब ट्रेवर्स करेंगे तो इस केस में डी एल और बी के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है, तो ये टर्म भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। और फिर हम जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और हमारी ट्रैवर्सिंग डायरेक्शन सेम है, तो बी डॉट डी एल का ज़ीरो बी डी एल के बराबर बनेगा। बी डी एल यानी बी इंटीग्रल डी एल, फिर हम इस इंटीग्रल डी एल को सॉल्व करेंगे तो बी एल बनेगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब आई इनक्लोज्ड हमने फाइंड आउट करना है। ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास इस एम्पीरियन लूप की लेंथ एल है और हर टर्न में से फ्लो करने वाला करंट आई है, तो टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जिसको हम एन से डिनोट करते हैं उसको इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो कि इस एम्पिरियन लूप के अंदर हैं वो आ जाएंगी। और इस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को जब हम हर टर्न के करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट इनक्लोज्ड इनसाइड द एम्पिरियन लूप हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से आई इनक्लोज्ड एन एल आई के बराबर होगा, तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल विल बी कैंसल्ड ऑन बोथ साइड्स एंड वी गेट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और बी की वैल्यू जो कि जी डायरेक्शन में है अलॉन्ग पॉजिटिव जी एक्सेस की तरफ, सो हम लिखते हैं बी इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल जी कैप।